ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा के दौरान समाज ट्राइब्यूनल तश्कील से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से अहम रिमार्क्स। कहा, ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है, ये भी इलेक्शन में मुदाखलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए नोटिस नहीं कर सकते। आइन बिल्कुल वाजे है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइनो कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, तारीख में पहली बार 78,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 78,474 पर ट्रेड। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का एहतजाज रंग ना ला सका। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की विफाक को धमकियां भी काम ना आई। 12 घंटे तक की लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल ना हो सका। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 18 से 22 घंटे बिजली बंद। तवील लोड शेडिंग से अवाम मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर का सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस, महकमा दाखिला का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर 22 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करें, किसी भी जिले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से जायद ना हो। वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत दी हैं। खत का मतन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज शाम 4 बजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़ुज़ात के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म को विफाक और पंजाब के बारे में पार्टी के तहफ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो को ईद से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की दावत दी थी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, दो नुकाती एजेंडा जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट पर बहस का आगाज करेंगे। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हुकूमती अराकीन को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट इजलास भी आज शाम को होगा। पाकिस्तानी हाजियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू होगा। सऊदी अरब से 70,000 से ज्यादा हज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। पीआईए समेत तमाम निजी एयरलाइंस जद्दा और मदीना से हज्जाज कराम को वापस लाएंगी। पीआईए की पहली परवाज हज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। ज़ायद किरायों से परेशान मुसाफिरों की रकम वापस कराकर नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार इजाफी वसूल करदा किराया सवारियों को वापस किया गया। मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम सवारियों को वापस की गई। और लाहौर समेत सूबे के दीगर इलाकों में बारान रहमत, मौसम खुशगवार। पेशावर में भी बादल बरसने से पारा नीचे आ गया। सिंध में गर्मी का राज बरकरार, दादू में पारा 47, मौजूदौड़ों में 46, सखर में 44 तक जाने का इम्कान। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत 26 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत की। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना नाहली के खिलाफ अपील पर समाअत। ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेरे इल्तवा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रिमार्क्स, अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पीटीआई की बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फिरकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
कसास अदारे के ऑफिसर की जानिब से एटीसी सरगोधा के जज को फोन करने का मामला। आरपीओ सरगोधा, रीजनल ऑफिसर सीटीडी, डीएसपी और एसएचओ को तौहीन अदालत के नोटिसेस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने 27 जून तक फिरकैन से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत के लिए केस जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत का एटीसी जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महफूज फैसला सुनाया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है, बानी पीटीआई कब रिहा होंगे, अभी ऐसे हालात नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस बहुत अहम है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले भी कह चुका हूं 30 अगस्त तक कुछ ना कुछ होके रहेगा। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, इंग्लैंड की वेस्टइंडीज को 8 विकेट से शिकस्त। इंग्लैंड ने 181 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल किया। फुल सॉल्ट और जॉनी बेरिस्टो की धुआंधार इनिंग्स। फुल सॉल्ट ने 47 गेंदों पर 87 और जॉनी बेरिस्टो ने 26 गेंदों पर 48 रन बनाए। फुल सॉल्ट ने 16वें ओवर में 30 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार। सुपर 8 मरहले के पहले टाकरे में जनूबी अफ्रीका ने अमरीका को 18 रन से शिकस्त दी। 195 रन के हदफ के ताकुब में अमरीकी टीम 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बना सकी। आज के दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात, जेहलम, दीपालपुर में बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत। सिंध में मौसम गर्मा, दादू में पारा 47, मौजोदड़ो में 46, सखर में 44 तक जाने का इम्कान। फैसलाबाद में घर में आतजदगी से झुलसने वाले मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाँबहक अफराद की तादाद 4 हो गई। आज जाँबहक होने वालों में बच्चों की तादाद वालिदा नरगिस और बेटा इब्राहिम भी शामिल। गुज़िश्ता रोज 6 साला दुआ फातिमा, 9 साला तलहा भी दौरान इलाज चल बसे थे। झुलसने वाले मजीद 5 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। हज के दौरान हीट वेव से जाँबहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। जाँबहक हाजियों की अक्सरियत गैर रजिस्टर्ड थी, जो एयर कंडीशन मकामात तक रसाई के अहल नहीं थे। अरब सफारतकार का कहना है कि जाँबहक मिस्री हाजियों की तादाद 600 तक है। इंतकाल करने वाले दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीजा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्ज हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। रूस और शिमाली कोरिया में कुर्बतें बढ़ने लगी। रूसी सदर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का पहला दौरा। किम जोंग उन ने रूसी सदर का इस्तकबाल किया, सलामी भी पेश की। दोनों ममालिक में सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में पार्टनरशिप के मुआहदे होंगे। मुश्तरका अलामिया भी जारी किया जाएगा। अमरीका का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। इसराइल की गजा में बारूद की बरसात, गजा के इलाके अलमवासी में रात भर बमबारी, खेमों में आग भड़क उठी। 7 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में घर पर फजाई हमला, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। नसरात कैंप में रिहायशी घरों पर भी शेलिंग और ड्रोन हमले। छापों के दौरान भी 6 फलस्तीनियों को गोली मार दी। शहदा की मजमू तादाद 37,396 हो गई। 85,523 फलस्तीनी जख्मी है।